बार भी देखते हैं जी भाई साहब। आज हमारे पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी, संभागों के प्रमुख और वरिष्ठ नेता हमारे, उनकी यहाँ एक बैठक थी। हमें 26 जून से 6 जुलाई तक अनुसूचित जाति मोर्चे की विधानसभा क्षेत्रों में, जिन जिलों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभाएं हैं, उन जिलों में हम जिला सम्मेलन अनुसूचित जाति की विधानसभा मुख्यालय पर करेंगे, और जिन जिलों में आरक्षित विधानसभा नहीं है उन जिलों के जिला मुख्यालय पर हम जिला सम्मेलन करने वाले हैं। और वो जिला सम्मेलन मिशन 2013 और 2014 को मानते हुए चुनाव को मंडल, ग्राम केंद्र, नगर केंद्र और मतदान केंद्र तक कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर के विचार विमर्श करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 9.5 साल में जो विकास के कार्य किए हैं, जन कल्याण के जो काम किए हैं, उनको बताएंगे। 10 साल में 93 से लेकर 2003 तक दिग्विजय सिंह ने इस मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था, इस बात को भी हम जनता के बीच में ले जाने वाले हैं। थोड़ा सा हो जाता नहीं, नहीं वो कटता है। मुझे लगता है कि सारी रणनीति कल बैठक के अंदर जो रणनीति डिस्क्लोज हो जाए वो रणनीति ही रहती है, इसलिए लेकिन कुछ बिंदु ऐसे रहते हैं जो सार्वजनिक किए जा सकते हैं। तो कल चुनाव अभियान समिति की बैठक पूरी होने के बाद में पार्टी की जो अधिकृत प्रवक्ता हैं वो इस संबंध में कहेंगे। निश्चित ही चुनाव को लेकर के सारे चुनाव को लेकर के ही सारी बैठक चल रही है और आने वाले उसकी ये पहली बैठक है, इसलिए सारे उसके जितने अभियान के बिंदु हैं, उसकी रणनीति के विषय हैं, उसकी बारीक बारीक बातें हैं, वो सारी आपने सर दिग्विजय सिंह और विजय बहुगुणा की तुलना की, क्या आप पिछले 10 दिनों से हम एक त्रासदी को झेल रहे और देख रहे हैं। मैं धीरे धीरे इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि दिग्विजय सिंह जैसे एक असफल मुख्यमंत्री रहे, वैसे ही बहुगुणा भी एक असफल मुख्यमंत्री है। दिग्विजय सिंह जी 10 साल तक शासन में रहे और विकास नहीं कर पाए। आखिर में वो जब गए तो टूटी हुई सड़कें, बगैर पानी की नहरें,
और बिजली के ऐसे तार दे गए जिसके अंदर विद्युत नहीं बहता था। वैसे ही जो वर्तमान सीएम है उत्तराखंड के, उनकी जो लचर प्रशासनिक व्यवस्था है, उस प्रशासनिक व्यवस्था का दुष्परिणाम इस देश के लोग भुगत रहे हैं। अभी वो कह रहे हैं कि 5,000 लोग का आंकड़ा पार हो सकता है, ये आंकड़ा और आगे जाने वाला है। इतनी भीषण दुर्घटना, इतनी भीषण आपदा, इतनी भीषण एक प्राकृतिक अवस्था के अंदर एक सीएम का इस तरह से निर्लज्ज और अव्यवहारिक, ये तो भगवान भला करे कि भारतीय सेना, आईटीबीपी और भारतीय वायुसेना और उसके साथ में कुछ छोटे मोटे स्वयंसेवी संगठन और संस्थाएं भी हो सकती होगी, ये सब अगर नहीं होती तो आप कल्पना करिए कि वहाँ का जो शासन प्रशासन होता वो किस दुरावस्था के अंदर उन धर्म यात्रियों को छोड़ता जो वहाँ पर यात्रा पे निकले थे। इसलिए मैंने कहा है कि दिग्विजय सिंह की तरह बहुगुणा भी एक असफल मुख्यमंत्री है, वो भी असफल थे, ये भी असफल। राहुल गांधी की जो भूमिका रही है इस दौरान, क्या कहते हैं? दिग्विजय सिंह जी अभी 2-3 दिन पहले की स्टेटमेंट दे रहे थे और कह रहे थे कि राजनीति नहीं करना चाहिए इस आपदा के अंदर। आज सुबह मेरे को जानकारी मिली है कि सारी राहत सामग्री जो है वो भेजी जा रही थी और वो भेजते समय जिस प्रकार से प्रदर्शन किया गया, इससे बड़ी राजनीति क्या हो सकती है। इसलिए अच्छा हो दिग्विजय सिंह जी अपने शिष्य को थोड़ा और पढ़ाए सिखाए और ये बताए कि इस प्रकार के कार्यक्रमों के अंदर निश्चित ही राजनीति नहीं होना चाहिए, लेकिन जो संकट है उस संकट को पार पाने के लिए जितना चुस्त प्रशासन, जैसी योजना, जैसा प्लानिंग, जैसा उसका एक प्रकार की प्रशासनिक पकड़ चाहिए थी, उसका अभाव उत्तराखंड की जनता ने देखा है। लोगों ने प्राणों को त्याग करके उस अभाव की पूर्ति की है, आज भी लोग कष्ट में भुगत रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये देश जितनी जल्दी हो सके कमज़ोर प्रशासनिक और शासकीय तंत्र से मुक्त हो सके उतना अच्छा है, क्योंकि सेंटर में संसद में रहने के कारण मैं तो भुगतता ही रहता हूँ, मैं देखता ही रहता हूँ कि कमज़ोर मंत्री कैसे काम कर रहा है और कमज़ोर प्रधानमंत्री की क्या स्थिति है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक तो हम यहीं सीमित रहेंगे कि जैसे दिग्विजय सिंह जी एक असफल मुख्यमंत्री रहे और वो अभी 2 दिन पहले बहुगुणा की वो भी कर रहे थे, यानी उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे कि नहीं नहीं वो ठीक है, तो स्वाभाविक है सेम फ्लॉक में रहने वाले लोग एक दूसरे की सुरक्षा की चिंता करते हैं। अच्छा सर, एक और किया हो अब कुछ इस तरह से मौत के बाद जो सब पहुँचे यूपी में और उसको लेकर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी बड़े कमेंट्स चल रहे हैं कि कांग्रेस जो है हिंदू मुस्लिम में भेदभाव करती है, एक मुस्लिम व्यक्ति मारा जाता है तो उसके लिए कुछ और मापदंड है और हजारों हिंदू मारे गए तो उसके लिए अलग माप। कांग्रेस के लिए राजनीति निर्दयता और इस प्रकार के विघटन का तो है, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है कि 14 अगस्त की रात को उन्होंने हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बना दिया। ये एक अपराध ही इतना बड़ा है अपने आप में कि जिसकी जो सजा दी जाए वो कम, बताइए देश बांटा जाता है क्या? लेकिन ठीक है, इन सब का जवाब आने वाले समय में मजबूत जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आएगी वो देगी। मंदिर पहले बनना चाहिए या पहले लोगों को बाहर निकाल के रेस्क्यू का काम करना चाहिए, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी और शिवराज जी के बयान में विरोधाभास सामने आया? नहीं, मुझे लगता है कि जहाँ तक केदारनाथ के विकास की बात कही, और केदारनाथ का जब विकास होता है तो उसमें चिकित्सालय होते हैं, धर्मशाला होती है, मंदिर होता है, मंदिर का परिसर होता है, क्योंकि धर्मशाला का ही के लिए मंदिर है, इसलिए मंदिर है तो धर्मशाला भी लगती है, चिकित्सालय भी लगता है, भोजनालय भी लगता है, तो वो समग्र विकास की बात कही गई है। और निश्चित ही अगर आपदा प्रबंधन हो रहा है तो स्वामी विवेकानंद कहते थे कि गीता अपन बाद में पढ़ाएंगे, पहले रोटी दे दो, भूखे पेट गीता नहीं पढ़ी जा सकती। जो आपदा के अंदर है उसको पहले आपदा से बाहर तो निकालना ही है, लेकिन जो विजनरीज होते हैं वो लंबा विचार करते हैं, वो उसकी समग्रता से सोचते हैं। केवल उत्तराखंड का, केवल एक जगह का नहीं, केदारनाथ का ही नहीं, हमें संपूर्ण उत्तराखंड के समग्र विकास पर विचार करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सड़कें, पानी, बिजली, कई प्रकार के और साधन हैं जिसके संबंध में विचार होना है आने वाले समय में उसके ऊपर।
धन्यवाद। उत्तरांचल जो जो नदियों का ग्रेडियंट है वो बहुत अच्छा है, 1 किलोमीटर की ऊंचाई जो है वो है, तो वहाँ तो भागती दौड़ती नदियाँ हैं और यहाँ पर नदियों का बहाव धीमा और स्थिर है, लेकिन इतना निश्चित है कि किसी भी प्रकार का अवैधानिक कार्य, चाहे रेत खनन का हो या जंगल कटाई का या किनारों पर अतिक्रमण का, वो बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि तो उससे नदी का जीवन समाप्त होता है। अभी थोड़ा सा यही है, उसी विधानसभा के बीच में रहने वाली है, फिर उपयुक्त तिथि की भी तलाश है हम लोगों को, लेकिन जुलाई के लास्ट वीक में करें, अभी ऐसा टेंटेटिव कार्यक्रम है। मैं तो सभी जगह ईश्वर विद्यमान है, सर्वत्र कण कण में है वो, यही कार्यालय दो दो बार सरकार बना चुका है। आपके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय पी एच साथ में पढ़े हैं, वहाँ पर गाजीपुर के रहने वाले हैं, जो कि उसके उन्नत पी एच डी रहे हैं, जब अभी आपको मिले तो आप उनसे पूछ सकते एमपी में पर्यटन के विकास के नाम पर कंक्रीट के जंगल खड़े किए जा रहे हैं जंगलों में, नदियों किनारे, पूरे मध्य प्रदेश में पर्यटन के नाम पर जो बजट आता है इस बार के जो एनडीए 400 करोड़ का पूरा काफी लगा है, तो क्या जो ये घटना हुई है उससे हमें बीजेपी के इन 6-7 महीनों में 9 लोगों को फांसी की सजा हुई है, ये मध्य प्रदेश का कानून व्यवस्था है और किसी को भी फांसी की सजा होने में 100 दिन से अधिक का समय नहीं लगा। वहीं कांग्रेस की सरकार थी और उनके निर्लज्ज मंत्री विधानसभा में बोलते थे कि एक बार बलात्कार हुआ तो 10,000 रुपये देंगे और 2 बार हो गया तो 20,000 रुपये दे देंगे। बुरिया जी को खुद के गिरिवान में झांकना चाहिए, उसके बाद बात करना चाहिए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ उस पर कार्रवाई हुई, पर मैं हम सख्त कार्रवाई करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी सख्त कार्रवाई के सामने कांग्रेस की कार्रवाई कैसी शिथिल थी, ये मैं बताना चाह रहा हूँ।